वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम में अपन किस चीज पे डिस्कस करेंगे? वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम से पहले अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? स्केलेटल सिस्टम के अंदर अपन ने फेस के बारे में क्या है डिस्कस कर लिया था, स्कल के बारे में कर लिया था, फेस के बारे में कर लिया था। आज अपन जो है अपना नया टॉपिक क्या है? वर्टिबल कॉलम। उस पर क्या है अपन डिस्कस करेंगे। तो वर्टिबल कॉलम जो है, वर्टिबल कॉलम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? वर्टिबल कॉलम जो है अपना, उसके अंदर क्या है अपनी 7 सर्वाइकल होते हैं, ठीक है, 12 थोरेसिक बोन होती हैं, 5 लंबर होती हैं और 1 सेक्रम और कॉक्सिक्स होती हैं। इन सबसे मिलकर क्या है अपना वर्टिबल कॉलम मिलकर बनता है। वर्टिबल कॉलम क्या करता है? वर्टिबल कॉलम एक चैन की तरह होता है जो अपनी बॉडी को क्या है पोजीशन प्रोवाइड करवाता है। अगर वर्टिबल के अंदर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो जो अपनी बैकबोन जो है, वर्टिबल कॉलम को ही अपन क्या है अपनी जो बैकबोन है वो बोलते हैं। तो वर्टिबल कॉलम में क्या है? द वर्टिबल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 24 सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन, द सेक्रम 5 फ्यूज बोन एंड कॉक्सिक्स 4 फ्यूज बोन। तो वर्टिबल कॉलम है वो क्या है? 24 सेपरेट मूवेबल बोन से मिलके क्या है बना हुआ होता है। इसके अंदर कौन किस किस टाइप की बोन होती है? इरेगुलर टाइप की क्या है इसके अंदर बोन होती है। तो इनमें सेक्रम जो है, सेक्रम के अंदर क्या है 5 फ्यूज बोन होती है और कॉक्सिक्स है उसके अंदर क्या है 4 फ्यूज बोन होती है। तो ऐसे करके 24 जो बोन है उनसे मिलके क्या है अपना वर्टिबल कॉलम बनता है। तो वर्टिबल कॉलम के अंदर जो 24 जो सेपरेट बोन है वो कितने ग्रुप में डिवाइड की गई है? 3 ग्रुप के अंदर क्या है उनको डिवाइड किया गया है। तो उसके अंदर कैसे कैसे हैं? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, 12 लंबर वर्टिब्रा हैं और 7 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा हैं और 5 लंबर वर्टिब्रा हैं। तो ऐसे मिलके क्या है ये 24 सेपरेट बोन बनती है। द मूवेबल वर्टिब्रा हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन बट सम ग्रुप हैव डिस्टिंक्ट फीचर। जो मूवेबल वर्टिब्रा हैं वो क्या है बहुत सारे करेक्टर रखती हैं बट इनके अंदर कुछ जो है वो क्या है सेम होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टिपिकल वर्टिब्रा। तो टिपिकल वर्टिब्रा के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? द बॉडी ऑफ ईच वर्टिब्रा इज सिचुएटेड एंटीरियरली। जो बॉडी है वो क्या है प्रत्येक वर्टिब्रा के क्या है एंटीरियरली सिचुएटेड रहता है। द साइज वेरियस विद द साइट। दे आर स्मॉलेस्ट इन द सर्वाइकल रीजन एंड बिकम लार्जर टूवर्ड टू द लंबर रीजन। तो बॉडी है, बॉडी क्या है? द बॉडी ऑफ ईच वर्टिब्रा इज सिचुएटेड एंटीरियरली, द साइज वेरियस विद द साइट। दे आर स्मॉलेस्ट इन द सर्वाइकल रीजन एंड बिकम लार्जर टूवर्ड द लंबर रीजन। नेक्स्ट है द वर्टिब्रल न्यूरल। द आर्च एनक्लोज ए लार्ज वर्टिब्रा फॉर अ मैन। द रिंग ऑफ द बोन कंसिस्ट ऑफ 2 पेडिकल्स दैट प्रोजेक्ट बैकवर्ड फ्रॉम द बॉडी एंड टू लैमनी। जो रिंग्स है, रिंग जो है वो क्या है 2 पेडिकल से मिलके बनती है। जो रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है वो जो बोन को आपस में जो जोड़ती है, कनेक्ट रखती है, जो रिंग बनती है जिसके अंदर वो आपस में कनेक्ट होती है वो क्या है 2 पेडिकल से मिलके बनती है। वेयर द पेडिकल्स एंड लैमनी अंटिल ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रोजेक्ट लेटरली एंड वेयर द टू लैमनी मीट इन द मिडलाइन पोस्टीरियरली दे फॉर्म ए स्पाइनस प्रोसेस। द न्यूरल आर्च हैज 4 आर्टिकुलर सरफेस। जो न्यूरल आर्च है वो कितने आर्टिकुलर सरफेस रखती है? 4 रखती है। 2 आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रा एंड 2 विद द वन बिलो। 2 क्या है किससे आर्टिकुलेट रहते हैं? वर्टिब्रा से। और 2 क्या है उनके नीचे होती हैं। द वर्टिब्रल फोरामिना फॉर्म द वर्टिब्रल कैनाल दैट कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड। दो वर्टिब्रल फोरामिना है वो कहाँ से होता है? फॉर्म द वर्टिब्रल न्यूरल कैनाल दैट कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड।
ये डायग्राम के अंदर क्या दिखाया गया, सर्वाइकल वर्टिब्रा दिखाई गई है, ठीक है, और इसके टिपिकल फीचर्स दिखाए गए हैं। इसके अंदर क्या क्या है, ये बॉडी हो गई, एंट्री एस्पेक्ट में इसका डायग्राम है, बॉडी हो गई, ट्रांसवर्स प्रोस्पेस हो गई, वर्टिब्रल फोरामेन हो गया, लेमना हो गया और बिल्ड स्पाइन हो गया, ठीक है। ट्रांसवर्स फोरामेन हो गया, इसके अंदर पेडिकल्स हो गए, और जो ब्लू है वो क्या है, फैक्ट्स है, एंटीरियर प्रोसेस विद फैक्ट्स फॉर आर्टिकुलेशन विद द वर्टिब्रा। नेक्स्ट है स्पाइनल फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। स्पेशल फीचर्स क्या हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा के, द ट्रांसवर्स प्रोसेस है फोरामेन थ्रू विच ए वर्टिब्रल आर्टरी पास अपवर्ड द ब्रेन। तो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है उसमें क्या है, वे फोरामेन, उसमें एक फोरामेन होता है थ्रू विच ए वर्टिब्रल, जिसके द्वारा वर्टिब्रल आर्टरी क्या करती है, पासवर्ड करती है अपवर्ड की तरफ, किसमें, ब्रेन पे। द फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रा आर एपिकल वर्टिब्रा, द एटलस इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिंपली ऑफ ए रिंग ऑफ बोन विद टू शॉर्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस। जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो कौन सी वर्टिब्रा होती है अपनी, एटलस होती है, ठीक है। सिंपली ये किससे कंसिस्ट होती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर क्या है, दो छोटे छोटे ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या रखती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा ट्रांसवर्स प्रोसेस है वे फोरामेन थ्रू विच वर्टिब्रल आर्टरी पास अपवर्ड टू द ब्रेन। द फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रा आर एपिकल वर्टिब्रा, द एटलस इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड इज कंसिस्ट ऑफ सिंपली ए रिंग ऑफ बोन विद शॉर्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो जो फर्स्ट एटलस वर्टिब्रा है, ठीक है, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है जो कौन सी है, एटलस है, वो क्या है, सिंपली रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और दो इसके अंदर क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। The anterior part of the large vertebral foramen is occupied with the ondoid process of the axis which is held in position by a transverse ligament. जो anterior part है वो क्या है, of a large vertebral foramen is occupied, किसके द्वारा occupied रहता है, occupied with the ondoid process of the axis which is held in position by a transverse ligament. Thus the ondoid process form the body of the atlas. जो ondoid process है वो क्या करता है, atlas की body बनाता है. The posterior part is the true vertebral foramen and occupied by the spinal cord. जो posterior part है वो क्या है, true vertebral foramen होता है और किसके द्वारा occupy रहता है, spinal cord के द्वारा occupy रहता है. On each superior surface the bone has two articular fact which form joint with the condyles of the occipital bone of the skull. जो सुपीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस द बोन हैज टू आर्टिकुलर फैक्ट, वहां पे क्या है, दो आर्टिकुलर फैक्ट होते हैं विच फॉर्म जॉइंट विद द कॉन्डाइल्स, किसके साथ जॉइंट होते हैं, कॉन्डाइल्स ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द स्कल। द नोडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड टेक प्लेस एट दिस जॉइंट। तो जो एंटीरियर पार्ट है
वो क्या है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द लार्ज वर्टिब्रल फोरमेन इज ऑक्यूपाइड बाय द ऑन्टॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस विच इज हेल्ड इन पोजिशन बाय ट्रांसवर्स लिगामेंट. दस द ऑन्टॉइड प्रोसेस फॉर्म द बॉडी ऑफ द एटलस. द पोस्टीरियर पार्ट इज ट्रू वर्टिब्रल फोरमेन एंड इज ऑक्यूपाइड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. ऑन द सुपीरियर सरफेस द बोन हैज टू आर्टिकुलर फ्रैक्ट विच फॉर्म जॉइंट विद द कॉन्डाइल ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द स्कल. द नोडिंग मूवमेंट इज हेड टैक पैलेस एट दिस जॉइंट. द एक्सिस इज द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा. और जो एक्सिस है वो कौन सी होती है, अपनी सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है. द बॉडी इज स्मॉल एंड हैज टू अपवर्ड प्रोजेक्टिंग अंडर प्रोसेस ऑफ देन दैट आर्टिकुलेट विद द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा द एटलस. द मूवमेंट एट दिस जॉइंट इज टर्निंग द हेड फ्रॉम साइड टू साइड. नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा दिखाई गई है. इसके अंदर क्या है, फर्स्ट जो है वो क्या है एंटीरियर एस्पेक्ट में क्या है अपनी एटलस है, सेकंड क्या है एक्सिस है. एटलस और एक्सिस जो फर्स्ट और सेकंड जो वर्टिब्रा है वो है. और जो थर्ड जो डायग्राम है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, एटलस और एक्सिस की दोनों की क्या है पोजिशन दिखाई गई है. इसके अंदर क्या है जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है वो दिखाए गए हैं. नेक्स्ट है थोरेसिक वर्टिब्रा. थोरेसिक वर्टिब्रा का जो डायग्राम है उसके अंदर क्या है, दो डायग्राम दिखाए गए हैं. ए है वो क्या है अबव से दिखाया गया है और बी जो है वो साइड से दिखाया गया है. तो जो ए डायग्राम है उसके अंदर अपने क्या दिखाया गया है, बॉडी हो गई ठीक है, वर्टिब्रल फोरमेन हो गए, पेडिकल्स हो गए ठीक है, फैक्ट ऑफ द आर्टिकुलेशन विद द रिब्स, रिब्स के साथ जो आर्टिकुलेशन होगा वो दिखाया गया है, ट्रांसवर्स प्रोसेस दिखाई गई, लेमिना दिखाया गया और स्पाइनस प्रोसेस दिखाई गई है ठीक है. ये कौन सा व्यू है अपना, अबव से दिखाया गया है एंटीरियर एस्पेक्ट के अंदर. और अब साइड से जो दिखाया गया है एंटीरियर एस्पेक्ट के अंदर उसके अंदर क्या है, बॉडी दिखाई गई है ठीक है. ये जो एरो है ये क्या है, पासिंग थ्रू द वर्टिब्रल फोरामेन, पेडिकल, सुपीरियर एंटीरियर प्रोसेस दिखाई गई है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलेटर प्रोसेस, लेमलिया, स्पाइनोसिस दिखाया गया है, इफेक्ट ऑफ द आर्टिकुलेशन विद द
रिब्स दिखाया गया है। तो ये क्या है, जो दो डायग्राम है इनके अंदर क्या है, पहले वाला जो अबव से दिखाया गया है, सेकंड वाला जो है क्या है साइड से दिखाया गया है, दोनों ही क्या है एंटीरियर एस्पेक्ट के अंदर दिखाए गए हैं दोनों ही डायग्राम में। द थोरेसिक वर्टिब्रा द बॉडी चेंज ट्रांसवर्स प्रोसेस है अफेक्ट फ्रॉम द आर्टिकुलेशन विद द रिब्स। जो बॉडी है वो क्या है एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस है अफेक्ट फ्रॉम आर्टिकुलेशन विद द रिब्स। नेक्स्ट लंबर वर्टिब्रा दीज हैव नो स्पेशल फीचर्स। जो लंबर वर्टिब्रा है वो कोई भी स्पेशल फीचर्स नहीं रखती है। नेक्स्ट है सेक्रम। सेक्रम और कोकिक्स जो है उसका क्या है, जो ए डायग्राम है उसके अंदर क्या है एंटीरियर व्यू दिखाया गया है और बी जो डायग्राम है उसके अंदर क्या है लेटरल व्यू दिखाया गया है। तो यहां से क्या है आर्टिकुलेशन होता है किसके साथ, आर्टिकुलेटिंग सरफेस फ्रॉम इंट्रावर्टिब्रल डिस्क बॉडी एंटीरियर प्रोसेस ऑफ एल फाइव है, ये S1 S5 है और ये चार क्या है कोकिक्स से मिलकर जो फ्यूज होती है वो एक हो गई और ये पांच जो सेक्रम से फ्यूज होती है वो हो गई, ये सारी की सारी क्या है एक एक बना लेती हैं। नेक्स्ट है सेक्रम। दिस कंसिस्ट ऑफ फाइव रुडिमेंटरी वर्टिब्रल फ्यूज टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर और वेड शेप बोन विद ए कॉनकेव एंटीरियर सरफेस। ये क्या है पांच बोन से वर्टिब्रल बोन फ्यूज बोन से मिलके बनी होती है और इसकी ट्रायंगुलर क्या शेप होती है। द अपर पार्ट और बेस आर्टिकुलेट विद द फाइव लंबर वर्टिब्रा। जो अपर पार्ट है वो क्या है फिफ्थ नंबर की जो लंबर वर्टिब्रा है उसके साथ क्या है आर्टिकुलेट रहता है। ऑन ईच साइड इज आर्टिकुलेटिंग विद द इलियम टू द सेक्रो इलियक जॉइंट। किसके द्वारा, प्रत्येक साइड से सेक्रो इलियक जॉइंट के द्वारा क्या है जुड़ा हुआ रहता है। एंड इट इज इनफीरियर टिप इज आर्टिकुलेट विद द कोकिक्स। जो इसकी इंफीरियर सरफेस है ठीक है वो किसके साथ कनेक्ट रहती है कोकिक्स के साथ। तो जो इसका अपर पार्ट है वो किसके साथ रहता है फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा के साथ और लोअर पार्ट जो है वो क्या है कोकिक्स के साथ कनेक्ट रहता है। कोकिक्स खुद अपने आप में क्या है चार फ्यूज वर्टिब्रा से मिलके बनता है। द एंटीरियर एज ऑफ द बेस द प्रोमोनेंट्री प्रोड्यूस इन द पेल्विक कैविटी द वर्टिब्रल फोरामिना आर प्रेजेंट एंड On each side of the bone, there is a series of foramen from for the passage of nerve. नेक्स्ट है कोकिक्स। द कोकिक्स इज कंसिस्ट ऑफ फोर टर्मिनल वर्टिब्रा फ्यूज टू फॉर्म ए वेरी स्मॉल ट्रायंगुलर बोन द बोर्ड बेस इज विद आर्टिकुलेट विद द टिप ऑफ द सेक्रम।
ये क्या है, चार फ्यूज वर्टिब्रा से मिलके बनती हैं, ठीक है, बहुत ही छोटी ट्राइंगुलर क्या है बोन होती हैं, जो ब्रॉड बेस है वो किसके साथ आर्टिकुलेट रहता है, टिप ऑफ द सेक्रम, सेक्रम के साथ क्या है आर्टिकुलेट रहता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके क्या फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क। तो इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क में क्या होता है, द बॉडी ऑफ द एडजस्टमेंट वर्टिब्रा आर सेपरेटेड बाय द इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क कंसिस्ट ऑफ एन आउटर रिम ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेज एंड ए सेंट्रल कोर ऑफ द सॉफ्ट जिनेलिस मटेरियल, जिसको अपन क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। दे आर थिनेस्ट इन द सर्वाइकल रीजन एंड बिकम प्रोग्रेसिव थिकर टूवर्ड द लंबर रीजन। द पोस्टीरियर लिगामेंट इन द वर्टिब्रल कैनाल हेल्प टू कीप देम इन प्लेस। दे हैव ए शॉक अब्जॉर्बिंग फंक्शन, ये क्या है, शॉक अब्जॉर्बिंग फंक्शन रखते हैं। एंड द कार्टिजिनस जॉइंट दे हैव कॉन्ट्रीब्यूट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एज ए होल। तो जो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क जो है उसके अंदर क्या होता है, बॉडीज ऑफ द एडजस्टमेंट वर्टिब्रा आर सेपरेटेड बाय इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। किसके द्वारा सेपरेट होती है, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क के द्वारा क्या है सेपरेट होती है, और कंसिस्ट ऑफ एन आउटर रिम ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज, और बनती किससे है फाइब्रोकार्टिलेज से, एंड ए सेंट्रल कोर ऑफ द सॉफ्ट जिलेटियस मटेरियल, और साथ में क्या सेंट्रल कोर ऑफ द सॉफ्ट जिलेट मटेरियल इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं। दे आर थिनेस्ट इन द सर्वाइकल रीजन एंड बिकम प्रोग्रेसिव थिकर टूवर्ड द लंबर रीजन। जो सर्वाइकल रीजन है वहाँ पे क्या है ये थिनेस्ट होती हैं, और प्रोग्रेसिवली जो क्या है जैसे जैसे लंबर रीजन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है ये थिकर हो जाती है। द पोस्टीरियर लंबर लिगामेंट इन द वर्टिब्रल कैनाल हेल्प टू कीप देम इन प्लेस। दे हैव ए शॉक अब्जॉर्बिंग फंक्शन, ये क्या रखती है, शॉक अब्जॉर्बिंग फंक्शन रखती है। एंड द कार्टिजिनस जॉइंट दे फॉर्म द कॉन्ट्रीब्यूट टू द flexibility of the vertebral column as a whole. नेक्स्ट क्या है, सेक्शन दिखाया गया किसका, सेक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम शोइंग द लिगामेंट इंट्रावर्टिब्रल डिस्क एंड इंट्रावर्टिब्रल फोरमिना। एक सेक्शन है वर्टिब्रल कॉलम का, इसके अंदर क्या है लिगामेंट दिखाया गया है, डिस्क दिखाई गई है, और इंट्रावर्टिब्रल फोरमेन दिखाया गया है। तो ये क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट हो गया, सुप्रा स्पाइनल लिगामेंट हो गया, ठीक है, इंट्रा स्पाइनल लिगामेंट हो गया, लिगामेंट फोरमेन हो गया, वर्टिब्रल कैनाल हो गया, इंट्रावर्टिब्रल फोरमेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क हो गया। ये क्या है, इसका एंटीरियर एस्पेक्ट का क्या है डायग्राम दिखाया गया है। नेक्स्ट है इंट्रावर्टिब्रल फोरामिना। तो इंट्रावर्टिब्रल फोरामिना में क्या होता है, व्हेन द टू एडजस्टमेंट वर्टिब्रा आर व्यू फ्रॉम द साइड ए फोरामिन कैन बी सीन। दो वर्टिब्रा को अगर अपन साइड व्यू से देखते हैं तब क्या अपने को फोरामिन सीन होता है। हाफ ऑफ द वॉल इज फॉर्म बाय द वर्टिब्रा अबव, हाफ इज हाफ बाय द वन बिलो। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम देयर इज इन वर्टिब्रल फोरामिन ऑन ईच साइड बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिब्रा थ्रू विच द स्पाइनल नर्व ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स पास। नेक्स्ट है लिगामेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अपन किस चीज पे डिस्कस करेंगे, लिगामेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम पे क्या है अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।